नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण अभियान एवं PMMVY योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु पंचम पोषण माह तथा PMMVY सप्ताह का समापन समारोह आज जिला मुख्यालय स्थित पेंशनर भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि महिलाओं में समुचित पोषण के लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि महिलाओं एवं बच्चों का पोषण समाज की जिम्मेदारी है तथा पोषण के अभाव में अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समुचित पोषण का संदेश दिया जाता है। इसके साथ ही इस संबंध में बाकी सबकी जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र शेखावत ने बताया कि योजना में जिले ने 110% कार्य कर राज्य में अग्रिम स्थान हासिल किया है। इस अवसर पर मुकेश तिवाड़ी, चूरू CDPO शकुंतला खटावला, रतनगढ़ CDPO प्रियंका शर्मा आदि को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर सभागार में आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के संबंध में गठित जिला स्तरीय विभागीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार समितियों में बिजली, कनेक्टिविटी, कर्मचारियों की उपलब्धता एवं डाटा तैयार करने आदि पर चर्चा की गई। प्रबंध निदेशक मदन लाल ने बताया कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश की सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन 3 चरणों में किया जाना है। बैठक में DDM नाबार्ड, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां चूरू एवं चयनित समितियों में से 3 समितियों के व्यवस्थापक उपस्थित थे। सुजानगढ़ में गो सेवकों पर हुए झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर आज रतनगढ़ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। विहिप के जिलाध्यक्ष महावीर महर्षि के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गत दिनों सुजानगढ़ में गो सेवकों द्वारा किए जा रहे धरने प्रदर्शन के दौरान सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए थे। परिषद के आयुक्त ने असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक बबलू एवं 2 अन्य गो सेवकों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज एवं संगठन में आक्रोश व्याप्त है। इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष विनोद मेहता, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महर्षि, मंत्री अरविंद मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। शासन द्वारा गो सेवकों पर नाजायज तरीके से जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनके विरोध स्वरूप हमने SDM साहब को श्रीमान राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, गोओं पर किए हुए मुकदमे वापस लिए जाए, अन्यथा हम जिले में और राजस्थान स्तर पर हर जगह आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, अन्यथा हमारी मांग को स्वीकार किया जाए और उन गो सेवकों को मुकदमे वापस लिए जाए। चूरू विधायक निवास पर आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि प्रधानमंत्री जन्मदिवस के साप्ताहिक सेवा संकल्प के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत जिले के अल्पसंख्यकों के विकास कार्यों को भाजपा विकास की ओर लेकर जाने में हमेशा आगे रही है। उन्होंने कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के अथक प्रयासों से अल्पसंख्यकों के लिए 10 करोड़ की लागत से जिले में विकास करवाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज के वोट लेकर समाज को ठगने का काम करती है। चुनाव के दिनों में अल्पसंख्यक समाज को विकास कार्य के नाम पर वोट तो ले लेती है लेकिन विकास कार्य नहीं करती है। इसी मौके पर जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री साजिद तुगलक, मुराद एलमान आदि मौजूद थे। प्रोग्राम चले थे उसमें किसी ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा दिए, तो वहाँ एक नेता खड़ा होकर कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजीव गांधी जिंदाबाद के अलावा अगर किसी ने नारे लगाए, किसी ने नारे लगाए तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, अल्पसंख्यक समुदाय का लोकतंत्र खतरे में। मैं जल्द ही इन सभी मुद्दों को लेकर राजस्थान सरकार को हम घेरेंगे भी, ज्ञापन भी देंगे। आज हम मीडिया के माध्यम से सिर्फ सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। आज राजस्थान लेवल पर जो लोन मिलता था, हमारे टाइम के अंदर अल्पसंख्यक विभाग से हमने कम से कम 1000 लोगों को लोन दिलाया। सिर्फ 3-4 साल के अंदर 2 लोगों के लोन इन्होंने पास किए। मैं राजेंद्र राठौड़ से खुद बातचीत करके लोगों के लोन 4-4, 5-5 लाख रुपए के, इनकी आर्थिक व्यवस्था सुधारे,
लोग बाग व्यापार कर ले, अल्पसंख्यक समुदाय किसी व्यापार में काम कर ले, ये काम हमने करवाए थे, आज उस काम का 0% है इनसे। आज अगर प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वल गैस योजना है, आप जाकर देख लो, 60% मुस्लिम महिलाएं इसका फायदा उठा रही है। ये सबके साथ और सबके विकास का काम है। आज अगर लोन की देख लो, आज अगर शिक्षा की बात करें तो हमें शिक्षा से वंचित 55 सालों के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय को अगर किसी समुदाय को रखा है तो इस कांग्रेस की सरकार ने रखा है। हमें लोन, हमारी शिक्षा, हमारी तालीम, इन सब से वंचित रखा है तो इस कांग्रेस की सरकार ने रखा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने मदरसा पैरा टीचर का मैनोफेस्टो में कहा था, आप जल्द उनको स्थायी करें, अन्यथा हमारा बड़ा आंदोलन होगा। मैं अब सतार भाई साहब से कहूँगा कि आज जो अपने शहर के मंडल है 39 से 39 आज हमने उसकी घोषणा कर दी। खुशी की बात यह है कि सबके साथ और सबके विश्वास की बात यह कि विद्या सर से हमने एक जेएन को वहां का मंडल अध्यक्ष बनाया। यही तो खूबसूरती है अपने इस बीजेपी की, यही खूबसूरती है। कहीं यहाँ जाति व्यक्ति की बात ही नहीं होती। कुछ लोग जरूर ये कांग्रेस भ्रम फैलाती है, हमारे लोगों जो जब इनको कुछ मांगने जाते हैं तो ये लाठ बरसाते हैं और बात माइनॉरिटी भी करते हैं, इसीलिए ये घुंचाल। मैं जिलाध्यक्ष जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा इस मौके पर, पूरे जिले की कार्यकारिणी इन्होंने बना ली है और अब इन्होंने मंडल की वो बना ली है। मैं भी 17 साल माइनॉरिटी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, माइनॉरिटी का प्रदेश मंत्री रहा हूँ और जहाँ से हम चले थे उसको आगे से आगे हमारे स्वर्गीय दीन मोहम्मद जी थे, वो 2 साल हमारे जिलाध्यक्ष रहे, बीच में जाकिर जी रहे, उसी चीज को आगे बढ़ाने में अत्तर जी और उनकी पूरी टीम, क्योंकि हमारी लीडरशिप अच्छी है। चूरू ऐसी जगह चूरू है जहाँ हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक, अगर गंगा जमी जो आप तहजीब और तमीज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि चूरू से बेटर कोई हो नहीं सकता, चूरू जैसी कोई मिसाल होने सकती, क्योंकि पूरे राजस्थान में अगर 2-4 लीडर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसा लीडर पूरे राजस्थान में देखने को नहीं मिलता। और उसी का नतीजा है कि चूरू की माइनॉरिटी आज कदम से कदम मिला के पूरी पार्टी के साथ है। इस मौके पे मैं हमारे लाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे यहाँ आए, हमारी बात को भी समझा, हमारी भावना को भी समझेंगे। और आप पत्रकार बंधु सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि एक जांदवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज हिंदी दिवस के अवसर पर RGS परीक्षा में 9वें स्थान पर चयनित चूरू जिले की बेटी शिखा शर्मा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि गिरधारी खीचड़ ने शिखा शर्मा से प्रेरणा लेकर बच्चों को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। शिखा शर्मा ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में मेहनत को मूल मंत्र बनाकर अध्ययन में जुट जाने की आवश्यकता बताते हुए विद्यार्थियों को हिंदी का महत्व बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शाला के प्रधानाचार्य मोहन सोनी ने कहा कि शिखा शर्मा ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर आपका लक्ष्य मजबूत है और मेहनत का जज्बा है तो आपकी सफलता निश्चित है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज लोहिया महाविद्यालय चूरू में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य महावीर सिंह व मुख्य अतिथि R.K. लाटा रहे। विभागाध्यक्ष डॉ. मंजू शर्मा ने सभी का स्वागत करते हुए हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने एवं हिंदी के प्रति जागरूक होने की बात कही। इस दौरान विद्यार्थी गार्गी हारित, अपर्णा सोनी, रमेश सिहाग आदि ने कविता एवं भाषण की प्रस्तुतियां दी। मुख्य वक्ता डॉ. SD सोनी ने कहा कि सभी भाषाएं एवं बोलियां महत्वपूर्ण है, एक का विकास दूसरे के विकास को नहीं रोकता। इस अवसर पर प्रोफेसर शांतनु डाबी ने सस्वर कविता पाठ कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और जिस वे में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिस वे में हम आज की हिंदी को देख रहे हैं, उस बात को लेकर के मैं कुछ मेरे प्रस्तुति से पहले कुछ बातें बोलना चाहूँगा। हम हिंदी को ज्यादातर मैं छात्र छात्राओं को देख रहा हूँ कि बड़ी ही दयनीय स्थिति में जैसे हिंदी आ पहुंची है, उसे हमें बचाना है और हम इंग्लिश के गुलाम हैं, बहुत लंबे छोटे शब्द बोलेंगे और सभी के जो सेंट्रल जो हिंदी है वो यही है कि जैसे रतनगढ़ के द ईगल फाउंडेशन और समस्त मेड सोनी समाज की ओर से आज RGS अधिकारी प्रियंका सोनी का अभिनंदन किया गया। संगम चौराहे के पास आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने की। इस अवसर पर हरिराम सोनी, श्याम सुंदर सोनी, राजकुमार स्वामी आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिया की अध्यक्षता में आज आयोजित जल जीवन मिशन की बैठक में वाणी संस्था द्वारा जिले में की जा रही
सपोर्ट गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने जिले में बेसलाइन सर्वे, ग्राम कार्य योजना निर्माण, ग्राम कार्य योजना अनुमोदन, सामुदायिक अंशदान व क्लस्टर पर कार्यरत संस्था स्टाफ की समीक्षा के दौरान बहुत कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संस्था पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य अभियंता राममूर्ति, अधीक्षण अभियंता रामदेव पारिक आदि उपस्थित रहे। चूरू जिले में मौसम खरीफ 2022 में राजस्व फसल कटाई प्रयोग संपादित किए जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा किसी प्रकार की परिवेदना के लिए कृषि विभाग की ओर से दूरभाष नंबर जारी किए गए हैं। कृषि उपनिदेशक अजीत सिंह ने बताया कि प्रत्येक पटवार मंडल में प्रत्येक अधिसूचित बीमित फसल के 4 प्रयोग संपादित किए जाते हैं तथा तहसील स्तर पर 16 से 20 प्रयोग संपादित किए जाते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय उपनिदेशक से 015-62-50-395 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक के कार्यालय से 015-62-50-403 तथा सहायक निदेशक से 94-602-65-407 पर संपर्क किया जा सकता है। चूरू स्थित झारिया मोरी के पास मैनसरिया कुटीर में आज लंपी वायरस से फैल रही बीमारी को रोकने के लिए पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की प्रेरणा से औषधि युक्त लड्डू वितरित किए। मैनसरिया ने कहा कि गाय से हमें शुद्ध दूध व घी मिलता है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। पशुओं पर आई संकट की घड़ी में हर मनुष्य को आगे आना चाहिए, यह सभी का परम धर्म है। इस मौके पर डॉक्टर प्यारेलाल दानोदिया, पार्षद अंजनी शर्मा, अली मोहम्मद भाटी आदि उपस्थित थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल ने घांगू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव ने CSC की व्यवस्थाओं को लेकर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि आम जन को बेहतरीन सेवाएं मिलनी चाहिए। इस दौरान सचिव ने अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर विशाल गोस्वामी एवं प्रतिभा ढाका से अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा स्टाफ के संबंध में भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में आम व्यक्ति को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। एक प्रेमी युगल ने आज चूरू SP दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती ने अपने परिजनों से जान को खतरा बताया है। बागसरा पुरई के युवक ने बताया कि वह खारिया कानीराम गांव की युवती से पिछले 6 वर्षों से प्रेम प्रसंग में है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब दोनों ने घर वालों के समक्ष एक दूसरे से शादी करने की बात रखी तो परिजनों ने इस शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने दिसंबर 2020 में सुजानगढ़ कोर्ट में शादी कर ली। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब परिजन राजी नहीं हुए तो 7 सितंबर को युवती और युवक घर से भाग गए और आज SP दफ्तर पहुंचकर प्रेमी युगल ने सुरक्षा की गुहार लगाई। चूरू में आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा ज्ञापन सौंपकर सूदखोरों के जाल में फंसकर आत्महत्या करने वाले युवक संदीप गोलवा को न्याय दिलवाने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि सूदखोरों द्वारा प्रताड़ना के कारण युवक ने मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या की है। सुसाइड नोट में लिखित आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मौके पर महेंद्र चौबे, गोपीराम शर्मा, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। संदीप गोलवा नामक व्यक्ति प्रतिभा नगर से कल उसने सुसाइड कर लिया। उसने कुछ सूदखोरों से पैसे ले रखे थे और उस सूद का पेमेंट करने बावजूद भी उसको लोग बराबर टॉर्चर करे थे। उसने 5 सूदखोरों के तो नाम दिए हैं और कुछ अन्य लोगों के नाम और भी दिए हैं जो उन लोगों को भी वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं और सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। और वो आज हमने SP साहब को भी पेश किया है। अब SP साहब से उम्मीद की है और मांग की है इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो फिर जितने भी ब्राह्मण संगठन है उन सब मिलकर आंदोलन करेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा बड़ा में कृषि कार्य के दौरान आज शाम कुंड से पानी निकालते समय डूबने से 31 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल धनेश शर्मा ने बताया कि मृतक के चाचा ओम प्रकाश के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गाँव खुडेरा बड़ा निवासी 30 वर्षीय गिरधारी लाल जाट अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान वह कुंड से पानी निकालने के लिए गया तो पैर फिसल गया और वह कुंड में गिर गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।